कि कोचिंग पकड़ ही रहे हो तो सीएलसी पकड़ लो, क्योंकि उसके तो मैं जानती हूँ इतनी अच्छी है ना कि आप सिलेक्शन करवा के ही जाओगे। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मेरा सपना सच हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे सोचती थी जब मैं पढ़ती थी कि ना मेरे मतलब बॉस मेरे घर पे आए और मैं सिलेक्ट हूँ और मेरा भी इस तरीके से कुछ वीडियो वगैरह बने। आज ये सच हो गया है तो मेरे से ज्यादा खुशी आज कोई नहीं है। और मैं सबसे पहले सीएलसी मतलब कि पहले सरस्वती स्कूल में पढ़ी थी 10th क्लास तक, फिर मेरे 94.50 नंबर आए थे और फिर मैं मतलब सर, मेरे डायरेक्टर सर हीरालाल जी सैनी ने मुझे गाइड किया कि आप सीएलसी जाओ, आप पक्का, मेरे को पूरा विश्वास है कि आप राजस्थान में या फिर मान लो कि इंडिया में आप ना नाम रोशन करोगे, उनको पहले से ही विश्वास था। फिर मैं सीएलसी गई, मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ, मैं बाबा फर्स्ट हॉस्टल में रही पहले, तो फिर वहाँ पे मैंने 11th की, 12th में मेरे को बॉस जानने लग गए थे, मेरे नंबर ठीक ठाक आने लग गए थे, ठीक नहीं बढ़िया आने लगे थे। तो फिर बाद में रिजल्ट आया, फिर उसमें मेरे 596 बने थे पहले, लेकिन उसमें आंसर की में कुछ करेक्शन होने की वजह से मेरे फिर 578 रह गए थे। तो पहले तो रिजल्ट जब आंसर की आई थी ना तब 596 ही थे मेरे, लेकिन बाद में लास्ट में एक और आंसर की आई थी उसमें मेरे 578 आए, तो इससे बड़ी मतलब दुखदायी कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए कि मैं 3 महीने तक या 1-2 महीने मान लो कि मैंने परीक्षा दी है, 1 महीने का उसमें गैप हुआ, फिर उसमें उस तक मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं कपड़े खरीद लूँ, मैं चली जाऊँगी कॉलेज, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लास्ट टाइम पर एंड पॉइंट पर जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन आंसर की आई थी और उसी दिन मेरा सारे सपने, मेरे सारे सपने टूट गए थे। फिर क्या कर सकते हैं, रो सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फिर मेरे पापा भी मतलब मेरी, मैं अगर रहूँगी तो घर वाले कैसे रह सकते हैं ऐसे सही ढंग से। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि घर वाले और आपके गुरु, उनके अलावा बाकी के कोई भी लोग हैं तो वो आपकी असफलता को देखकर खुश होंगे, लेकिन घर वाले और गुरु कभी भी खुश नहीं हो सकते आपकी असफलता को देखकर। तो फिर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बाद में पापा ने ऐसे बोला, मतलब मैं तो ऐसे सोच रही थी कि मैं अकेली तो हूँ नहीं घर में, मेरे 5 भाई बहन हैं, मेरा भाई भी है मेरा बड़ा, मेरी दीदी भी है उसकी शादी करनी है, और अगर मैं ही अकेली लगाती रहूँगी सारे पैसे तो बाकी का क्या होगा। लेकिन पापा के विचार ये बिल्कुल भी नहीं थे, उन्होंने उस दिन ही कह दिया था कि मैं तेरे को वापस से करवाऊँगा, तू वापस से करना। फिर थोड़ा हिम्मत बढ़ी, उसके बाद में बॉस का कॉल आया, उन्होंने बोला कि आप छोड़ के चले जाओ इसको कोचिंग और फिर ये ना तैयारी कर लेगी अच्छे से और इस अब की बार ये टॉप करेगी। तो फिर मेरे पापा गए सीएलसी, मुझे छोड़ा, अब की बार मैं जीन माता फर्स्ट कॉलेज हॉस्टल में मतलब रहने लग गई थी, और वहाँ पे मतलब बॉस का मोटिवेशन इतना रहा कि मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लग गए थे, जो पहले कम आए करते थे 500 या 600 से नीचे नीचे रहा करते थे, फिर वो मेरे 600 से नीचे कभी आए ही नहीं, मेरे 680-50 ऐसे कुछ करके आने लगे। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मतलब मैं कर लूँगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरी मैम तो मतलब हॉस्टल वार्डन तो ऐसे भी बोलते थे, जब भी मैं कहीं पर भी दिख जाओ, चाहे मैं मैथ्स में दिख जाओ, मैं कहीं पर मतलब कभी कभी खेल भी चले जाया करती थी तो वहीं पर दिख जाओ किधर भी, वो आके बस ऐसे बोलती थी, एक ही सारा करती थी ऐसे कि तेरे को फर्स्ट रैंक लानी है। इससे ये ऐसा होता है कि मतलब फर्स्ट रैंक मान लो नहीं आई, मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं आई, लेकिन कम से कम उस जब जितना आप सोचोगे उसके थोड़ा सा ही नीचे आओगे, ऐसे नहीं है कि आप सोचो ही मत तो आप इतने पर आओगे, और अगर आप कुछ ना कुछ सोचोगे तो इतने पर तो आओगे ही आओगे। तो मतलब वार्डन मैम भी बहुत अच्छी है, और मेस के खाने के अगर मैं कहूँ तो आप ऐसे सोचो कि घर जैसा मतलब मम्मी जैसा खाना तो कोई नहीं बना सकता, लेकिन आप खाओगे तो बीमार नहीं होगे कभी भी, आप अगर बाहर का खाओगे तो बीमार हो जाओगे। मेरी मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरे को मतलब सब खाना जच जाता है, लेकिन मैं जब मौलाना आजाद में गई तो वहाँ पे मैंने उधर उधर का खा लिया,
तो मैं बीमार हो गई, लेकिन सीएलसी के खाने से मैं एक बार भी बीमार नहीं हुई। आप खाने को कुछ नहीं कह सकते, आपको खाना है लेकिन आप बीमार नहीं होगे, बिल्कुल भी बीमार नहीं होगे, और आप आराम से तैयारी करते रहोगे। तो फिर मैं मतलब कि टारगेट में थी, पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया। इस कोरोना की वजह से मेरे को आना पड़ा घर पे, लेकिन घर पे पता है कि किसी का भी पढ़ाई का माहौल नहीं होता। फिर मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में आई थी, सोनिया, फिर हम दोनों पढ़ने लग गए थे, लेकिन मतलब सीएलसी से जुड़े होने की वजह से ही हम पढ़ रहे थे, वरना और बाकी हमारे फ्रेंड्स जो दूसरी कोचिंग्स में थे उनका पढ़ाई का इतना माहौल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बॉस जैसे उनके डायरेक्टर सर नहीं थे। बॉस हर वीर मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उन्होंने, उन्होंने हमारे टेस्ट लगवाए वीडियो में, सॉरी वीडियो मैसेज वगैरह कॉल मैसेज किए उन्होंने भेजे, और रैंक हर बार रैंक बताते थे सभी की कि रैंक किसकी कितनी आई वो फ़ोन पे बताते थे। तो इसकी वजह से भी हमें ऐसे रहता था कि आज बॉस बताएंगे, आज हमारा नाम आएगा, आज नहीं आएगा, ऐसे करके कुछ बना रहता था। तभी हम टेस्ट देते थे कि हाँ टेस्ट देंगे, नाम आएगा, बॉस कोड करेंगे, सब अपन को जानेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, तब पढ़ाई का भी माहौल बनता रहता है। फिर ऐसे करते करते परीक्षा, मतलब एक बार मैं यहाँ पर मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही थी, कम हो रही थी, बहुत ही कम। तो मैं सीएलसी चली गई। सीएलसी में जाने के बाद मैं एक दो दिन में वहाँ पर रही, लेकिन वहाँ पर उस एक लड़की के अलावा और कोई नहीं थे। कि जब मैं वहाँ पर गई थी तो मैं वापस ही आ गई थी दो दिन रह के। फिर बाद में जैसे पता लगा कि अब 13 सितंबर को एग्जाम होना है, तो फिर मैं और वो सबसे ज्यादा मेरे लिए बेनिफिट रहा, क्योंकि यहाँ पर घर पर मेरी कुछ पढ़ाई इतनी हो नहीं रही थी कि मैं कह सकूँ कि मैं अच्छी डॉक्टर बन जाऊंगी। उससे पहले जब मैं कोचिंग में रह रही थी तब मैं सोच रही थी कि मैं टॉपर बनूंगी, जब यहाँ पर रह रही थी तो मैं सोच रही थी कि बस मेरा सिलेक्शन हो जाए। जैसे ही मैं 20 दिन बाद में गई, 20 दिन वहाँ पर रही, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की और मेरे को वापस कॉन्फिडेंस आया अपनी पढ़ाई पर कि मैं अब की बार वापस टॉप करूँगी। और बॉस का सहयोग इतना रहा कि आप मतलब जब मैं एक दिन पहले, कल मेरा एग्जाम है, आज मेरे को यहाँ से निकलना है जयपुर जाने के लिए, ठीक है। फिर मैं गई, मेरा एग्जाम जब मान लो कि मेरा मेरे को 12 बजे से एंट्री थी मेरी वहाँ पे, तो 11 बजे मेरे को फ़ोन आता है बॉस का कि बेटा आप पहुँच गए। मैंने कहा हाँ सर मैं पहुँच गई हूँ, पहुँचने वाली हूँ बस। तो बॉस ने बोला कि ना जब पहुँच जाओ ना तब एक बार और कॉल करना। इतनी केयरिंग कौन कर सकता है, मतलब घर वाले भी नहीं पूछते हैं ना आपको आपका एग्जाम अब है। घर वाले मतलब पेरेंट्स तो पूछते हैं, मतलब और नहीं पूछते कि आपका कब एग्जाम है, कब नहीं है, कब आप वहाँ पर पहुँचे। फिर जैसे एग्जाम ख़त्म हुआ उसके बाद में वापस कॉल आता है कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है। तब तक मैंने बताया कि हाँ मेरा एग्जाम ठीक हुआ है, मेरे को लगता है कि मेरे आ जाएंगे मार्क्स। फिर जैसे ही बॉस ने बाद में परीक्षा के बाद में फ़ोन किया मेरे को कि आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं, तो मैंने बोला कि 700 के पास में तो पहुंच जाएंगे। फिर बोला कि आपके कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं होगी, मैंने बोला कि अब की बार शायद लगता है कि मेरे को सिली मिस्टेक भी नहीं होने वाली है। फिर बाद में हमारे मतलब आंसर की आती है, हम जोड़ते हैं नंबर, इतनी खुशी होती है ना कि जब मेरे 690 मार्क्स बनते हैं, इतनी खुशी मतलब कभी नहीं होती। मेरे को पहली बार ऐसा मतलब लगा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जब मेरे 578 मार्क्स आए थे, जितना गम हुआ था ना उससे ज़्यादा मेरे को खुशी हुई डबल। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारी असफलता हो रही है तो हम छोड़ दे पढ़ाई करना। अगर मैं छोड़ देती तो मैं टॉपर कैसे बनती, मैं सेलेक्ट कैसे होती और मेरे परिवार का क्या होता अगर मैं डॉक्टर ही नहीं बनती। उन्होंने इसको सोच कर लगाया था कि
कि ये डॉक्टर बनेगी, और अगर मैं उसी टाइम पर कह देती कि मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन बॉस का गाइडेंस, घर वालों का सपोर्ट, इसकी वजह से मैं वापस से लगी, तो इस वजह से वो मेरे मार्क्स 690 तक आ सके। फिर रात को फिर भी ना बॉस रात तक ना, उस दिन 8 बजे मान लो 10 बजे तक मेरी आंसर की आ गई, हमने जोड़ लिए, बॉस 1 बजे तक नहीं सोए, व्हाट्सएप ग्रुप पे लगे रहे और पूछते रहे कि नंबर कितने कितने आए किसी के, इतना इनको ऐसे रहता है कि किसके कितने आए किसके कितने आए। तो बॉस का सपोर्ट इतना रहा कि मतलब आप भी अगर बॉस के पास में आओगे तो सच में आप सेलेक्ट होकर ही जाओगे। मान लो कि आप सेलेक्ट नहीं भी हुए, बहुत कम चांस उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए बहुत ही कम चांस है कि वो सेलेक्ट नहीं होता है। अगर सेलेक्ट नहीं भी हुए तो आप और IAS अन्य में चले जाओगे, क्योंकि CLC इतना अच्छा संस्कार देती है, इतना अच्छा आपका लेवल बना देती है पढ़ने का कि आप पढ़ाई के बिना रह ही नहीं सकते। आप ऐसे बैठे रहोगे, बातें करते रहोगे, आपको ऐसे लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को पढ़ना चाहिए। तो आप कुछ भी कर लोगे, बस आपको संस्कार मिलने चाहिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। तो इससे हमें ये, और एक हमारे मेरे पास में ही मेरे घर में 2 लड़कियां आई थी, उन्होंने ऐसे बोला कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम ना यूट्यूब से कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यूट्यूब से कर रहे हो, लेकिन यूट्यूब से कर तो रहे हो, आप पेपर भी दे रहे हो। उन्होंने बोला कि पेपर तो हम नहीं दे रहे, दे भी रहे हैं लेकिन एक दो, मतलब कि उसमें से कभी बायो का आता है, कभी केमिस्ट्री का आता है, उससे आपकी रेगुलरिटी नहीं रहने वाली है, क्योंकि 180 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, आपको क्वेश्चन भी आ रहे कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने उसको कहा कोचिंग पकड़, कोई सी भी पकड़, कोई ज़रूरी नहीं है कि CLC ही पकड़े, लेकिन मैं ऐसे बोलती हूँ कि कोचिंग पकड़ ही रहे हो तो CLC पकड़ लो, क्योंकि उसमें तुम्हें जान